कर्नाटक का हिजाब विवाद मामले में हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों द्वारा हिजाब बैन करने का फैसला बरकरार रखा। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। वीडियो में मुख्य न्यायाधीश अदालत से मटेरियल फैक्स छिपाने की वजह से एक वकील को डांट रहे हैं। This is court of the Chief Justice. When you can do it with here, what you will be doing in other courts? What you would be doing in other courts? When you can do it here with the Chief Justice, then look at your conduct. No, sorry. No, we are not going to leave you like this. He is restrained from practicing anymore. इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद के याचिकाकर्ताओं का बचाव करने वाले वकील को फटकार लगाई। इसी दावे के साथ ये वीडियो फेसबुक पर वायरल है। वीडियो को गौर से देखते हुए ऑल्ट न्यूज ने कुछ चीजें नोटिस की, जैसे जजों में से एक ने काले रंग का मास्क पहना है। घड़ी में 11:20 हुई है और वीडियो में एक दाढ़ी वाला व्यक्ति और एक मूंछ वाला व्यक्ति दिखता है। इसके अलावा वायरल वीडियो में दो जज दिखते हैं, लेकिन हिजाब विवाद मामले का नेतृत्व 3 जजों की पीठ ने किया था। यानी ये वीडियो हिजाब विवाद से जुड़ा हुआ नहीं है। कर्नाटका हाईकोर्ट के यूट्यूब चैनल पर 3 मार्च 2022 की सुनवाई के वीडियो में वायरल वीडियो का हिस्सा दिखता है। इस केस के बारे में सर्च करते हुए हमें पता चला कि इसका हिजाब विवाद की सुनवाई से कोई लेना देना नहीं है। ये मध्यस्थ था और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 37 के तहत दर्ज एक व्यावसायिक अपील से संबंधित मामला है। वकील का लाइसेंस रद्द किए जाने का दावा भी गलत है। इस मामले में अदालत ने कहा कि वकील की कम उम्र को देखते हुए अदालत कोई भी कार्रवाई नहीं चाहती है। इस तरह एक अन्य केस में जज द्वारा वकील को फटकार लगाए जाने का वीडियो हिजाब विवाद से जोड़कर शेयर किया गया।